नमस्कार, मैं हूं सकरवार सुमंत और आप देख रहे हैं बेखौफ आज तक। नहर में पानी टेल तक नहीं पहुंचने से किसानों में आक्रोश, खेत में रोपी गई फसल सूखने के कगार पर। किसानों ने संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर जिलाधिकारी को पत्रक सौंपकर नहर में पानी दिलवाए जाने का किया मांग। खबर जनपद गाजीपुर के सेवराई तहसील क्षेत्र से है, जहां एशिया के सबसे बड़े गांव गहमर के सिवान में आज तक जमानिया से चलने वाली चक्का बांध नहर का पानी नहीं पहुंचने से आक्रोशित किसानों ने सेवराई तहसील में आयोजित संपूर्ण मुख्य समाधान दिवस के मौके पर पहुंचकर जिलाधिकारी को पत्रक सौंपा और नहर में पानी चलवाए जाने का फरियाद करते हुए किसानों ने क्या कुछ बताया, आइए आप भी जानें। चंदन सिंह फौजी, कन्वेनर पूर्व सैनिक संगठन गहमर परिक्षेत्र। आज हम लोग संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर आए थे। हमारे गहमर परिक्षेत्र के किसानों की सबसे बड़ी समस्या कि वहां पर मुख्य नहर का पानी अभी तक नहीं पहुंच पाया है, जबकि 25% रोपनी का काम संपूर्ण हो चुका है सभी क्षेत्रों में। तो इसके लिए हम कल आज से जो है धरना के लिए हमने अल्टीमेटम दिया था, लेकिन उस बीच कल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है सिंचाई विभाग के और SDM साहब गए थे मौके पर, और आज DM साहब के यहाँ भी हमने ज्ञापन दिया है और उन्होंने आश्वस्त किया है इसका जो है परमानेंट सोल्यूशन जल्द से जल्द निकाला जाएगा। जी, मैं अमित कुमार सिंह, भाजपा मंडल। ये है कि हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं पानी न आने की वजह से बहुत ही परेशान थे। विगत 15 दिन से पानी नहीं आ रहा था, फसल सूखने की कगार पे थी और हम लोग लगातार अधिकारियों से फोन करते रहे, लेकिन बार बार हमेशा ही आश्वासन मिलता रहा कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। कल थक हार के हम लोगों ने जब धरने का अल्टीमेटम दिया तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर JE और AE सब इस समस्या परमानेंट सॉल्व हो, इसकी वजह से आज हम लोग DM महोदया से मिलने आए थे और अपने प्रशासन से हम लोगों ने सारी समस्या रखी। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि आपकी पानी अब निर्बाध रूप से जारी रहे। अपने क्षेत्र के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे बेखौफ आज तक से।